हेलो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम जंक्शन प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने जाएंगे। तो देखेंगे कि जंक्शन प्रॉपर्टी या नॉर्मल पीएन जंक्शन की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जब एक सिलिकॉन बार पे एक साइड में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी और दूसरे साइड में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की जाती है किसी भी प्रोसेस से, चाहे हीटिंग की प्रोसेस, एपिटेक्सियल ग्रोथ की प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस से, जब एक एक तरफ एन टाइप और एक तरफ पी टाइप इम्प्योरिटीज ऐड की जाती हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी दैट मींस पी टाइप मटेरियल फॉर्म होगा, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी जब ऐड करेंगे तो एन टाइप मटेरियल फॉर्म होगा, तो उसके बाद यहाँ पे एक पीएन जंक्शन डायोड बन जाएगा या पीएन जंक्शन फॉर्म होगा। तो यहाँ एक तरफ पी टाइप मटेरियल, दूसरी तरफ एन टाइप मटेरियल इस तरह से फॉर्म हो जाएगा और इसके बीच में ये जंक्शन फॉर्म होगा। जो जंक्शन पे क्या होगा एक्चुअली इमीडिएटली, जैसे पी टाइप होल यहाँ से पी टाइप होल दैट मींस पी टाइप रीजन में पी टाइप होल्स नंबर ऑफ पी टाइप होल्स यहाँ जाना है और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जाना है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट्स के कारण होल्स इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। जब ऐसा होगा तो यहाँ पे ये पी टाइप रीजन में होल्स के मूव करने के कारण नेगेटिव इमोबाइल आयन और एन टाइप रीजन में इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने के कारण पॉजिटिव इमोबाइल आयन यहाँ स्टोर हो जाएंगे। तो ये इमोबाइल आयन जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का मूवमेंट है, उस नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन होल्स के मूवमेंट को बंद कर देंगे कि ये एक पोटेंशियल बैरियर की तरह काम करेगा। तो ये जंक्शन की प्रॉपर्टीज हैं, सिंपल प्रॉपर्टीज। हम देख सकते हैं कि जैसे ही हमने एक ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करके एक पी टाइप और एन टाइप मटेरियल बनाया तो तुरंत ही एक जंक्शन फॉर्म होता है और जंक्शन फॉर्म में कुछ समय के लिए स्मॉल करंट फ्लो होगा, उसके बाद ये पोटेंशियल बैरियर जैसे ही डेवलप हो गया करंट फ्लो होना यहाँ से बंद हो जाता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये जंक्शन है और इस जंक्शन की प्रॉपर्टीज सिंपल हमने यहाँ पे देखी। तो ये सिंपल पीएन जंक्शन है और इस पीएन जंक्शन की प्रॉपर्टीज में जैसे ही इमीडिएटली जंक्शन के बनते ही यहाँ एक करंट फ्लो करता है, उसके बाद करंट फ्लो होना बंद हो जाता है और ये एक तरह से कैपेसिटर की तरह वर्क करेगा, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज। तो ये जंक्शन की प्रॉपर्टी जो हमने यहाँ पे देखी, सिंपल पीएन जंक्शन की प्रॉपर्टीज। थैंक यू।